में ना घुसे, ध्यान रहे बस। बाकी दाहिने साइड में भी ये जो कुर्सियां हैं खाली बीच में, वो नौजवान उसको भर दे। जो पर्दे के पास है या कोई भी बैरिकेटिंग हो मेन रोड पर, उसको तोड़कर एंट्री कर सकते हैं आप। सभी बैरिकेटिंग, सबसे लास्ट वाला बैरिकेटिंग, एक मिनट शांत रहिए। जो बैरिकेटिंग अब है, कोई मेन से आने की जरूरत नहीं है। खेत में जहां भी जगह बनाए, जिस जहां से घुसना है घुस जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की। माननीय कल्याण सिंह जी, जननायक माननीय कल्याण सिंह जी, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ। माननीय नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, हर हर मोदी, 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 नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ। ये पर्दे के साइड से जो रोड पर जा रहे हैं, ये बीच से ही घुस सकते हैं, कोई जरूरत नहीं मेन रोड से जाने की। बीच के बैरिकेडिंग से घुस सकते हैं अंदर के लिए। ये जो मेन रोड जा रहे हैं, मेन रोड से आगे ये बीच के बैरिकेडिंग से घुस सकते हैं। ये जो बैनर लगे हैं, सभी बैनर नीचे हो जाएं। भारतीय जनता पार्टी, लाल किले पर कमल निशान, मांग रहा है हिंदुस्तान, लाल किले पर कमल निशान, मांग रहा है हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, भारत माँ का वीर सपूत, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भारत माँ का वीर सपूत, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, जिंदाबाद, जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, जिंदाबाद, जिंदाबाद, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, जिंदाबाद, जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, बंद है, बंद है, बंद है, बंद है, भारत माता की। बोलो गुरु गोरखनाथ की। नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह। ये जो चेयर है, आगे खाली स्थान है, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह। नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह।
जिनकी आपको प्रतीक्षा थी, देश के महान नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भारत माता के चित्र पर पुष्पार्चन करते हुए इस मंच पे पधारे हैं। एक बार ताली बजा के आप स्वागत करें। नरेंद्र मोदी राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी राजनाथ जी का स्वागत है। नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत है। आप शांत हो जाए। भारत माता की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। बोलो गुरु गोरखनाथ की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, राजनाथ सिंह जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद। अब मैं गोरक्षपीठ के उत्तराधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से अनुरोध करूंगा, माननीय नरेंद्र मोदी और माननीय राजनाथ सिंह का माल्यार्पण करें। माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, माननीय राजनाथ सिंह जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी को स्मृति चिन्ह दे के सम्मानित करेंगे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी। गोरखपीठ के उत्तराधिकारी, गोरखपुर के यशस्वी सांसद पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, माननीय राजनाथ सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गदा भेंट करते हुए हमारे लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष माननीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी माननीय नरेंद्र मोदी को तीर धनुष प्रस्तुत करते हुए राजनाथ सिंह नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के लोकप्रिय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी से प्रार्थना करूंगा आवे और माननीय राजनाथ सिंह, माननीय नरेंद्र मोदी, पूज्य योगी आदित्यनाथ, माननीय कल्याण सिंह समेत सभी नेताओं का स्वागत करते हुए अपने विचारों को व्यक्त करें। मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा
लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन, पूर्वांचल के शेर, गोरक्षपीठ के उत्तराधिकारी, गोरखपुर से माननीय सांसद आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं आग्रह करना चाहता हूं कि वे गोरखपुर क्षेत्र की इस विशाल जनसभा को अपना आशीर्वाद, अपना संबोधन देकर 2014 के चुनाव के लिए प्रेरित करने की कृपा करें। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, भारत माता की। सज्जनों, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, अपने आप को मंच के साथ संबद्ध करते हुए दोनों हाथ उठा करके आप माननीय मोदी जी और माननीय राजनाथ सिंह जी को इस बात के लिए आश्वस्त करिए कि राष्ट्र जागरण के लिए, भारत को बचाने के लिए आप सब उनके संकल्प के साथ हैं। दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, गंगा माता की, गंगा माता की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, काशी विश्वनाथ की, बाबा गोरखनाथ की, बाबा गोरखनाथ की, हर हर महादेव। गोरखपुर क्षेत्र की विजय शंखनाद रैली, मैं आज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारत के भावी प्रधानमंत्री, गुजरात के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के अंदर राजनीतिक परिवर्तन के इस महाअभियान में चाणक्य की भूमिका में मंच पर उपस्थित माननीय राजनाथ सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कल्याण सिंह जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सभी सम्मानित पूर्व अध्यक्षगण, राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांव गांव से उमड़े हुए इस अपार जन सैलाब में उपस्थित भारत माता के महान सपूतों, बाबा गोरखनाथ की इस पवित्र धरती पर मैं माननीय मोदी जी का, माननीय राजनाथ सिंह जी का, राष्ट्रीय और प्रदेश के सभी सम्मानित पदाधिकारियों का और आप सबका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब पूर्वी उत्तर प्रदेश के हृदय स्थली गोरखपुर में देश के राजनीतिक परिवर्तन के इस महाअभियान के साक्षी बन रहे हैं और उस साक्षी में जो उत्साह से आप यहां पर आए हैं, मैं जान रहा हूं कि जितनी संख्या में आप लोग यहां पर इस मैदान में हैं, इससे दूनी संख्या शासन प्रशासन की कुव्यवस्था के कारण बाहर मार्गों पर अटके हैं, लेकिन उस सब के बावजूद आपने इस पूरे अभियान के साथ अपने आप को जोड़ा है। मैं आप सभी का भी इस कार्यक्रम में, इस
विजय संघनाथ रैली में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं शुरुआत करना चाहता हूं, मैं माननीय मोदी जी और माननीय राजनाथ सिंह जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं और इस देश के अंदर सेकुलरिज्म के नाम पर राजनीति करने वालों को भी इस बारे में बताना चाहता हूं कि हमारा जो ये रैली स्थल है यह गोरखपुर के उन 12 गांवों के बीच में है जिसमें 90% अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं। हमारी रैली फर्टिलाइजर में होनी थी लेकिन एसएसबी ने वहां पर केंद्र में रोम के आदेश से उस रैली को रोका और रोक करके इस बात के लिए कहा कि नहीं, हमें सुरक्षा का खतरा है। मुझे आश्चर्य होता है हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों को ला करके जम्मू कश्मीर पुलिस को ये लोग सौंपते हैं तब सुरक्षा को खतरा नहीं होता है, लेकिन मोदी जी की रैली से खतरा एसएसबी को नहीं, दिल्ली की सत्ता को खतरा है। और इसलिए रैली स्थल को जब रोकते हैं तो इन गांवों के लोगों ने कहा कि मोदी जी की रैली मानबेला में होनी चाहिए और इस देश के अंदर सेकुलरिज्म के नाम पर वोट बैंक बनाने वालों के मुंह पर तमाचा मारा जाना चाहिए। और आज रैली यहां पर हो रही है जिसकी पूरी व्यवस्था इस क्षेत्र के उन 12 गांवों के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के द्वारा संभाली जा रही है जिनके पेट पर लात मारने का कार्य समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया था। जीडीए के नाम पर, विकास प्राधिकरण के नाम पर उत्तर प्रदेश के अंदर लूट का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है। हम लोग जानते हैं माननीय राजनाथ सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने खोराबार के किसानों को बचाया था, उन्होंने इस क्षेत्र के किसानों को बचाया था, लेकिन पुनः ये लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं इन 12 गांव के उन लोगों को कि जब तक हम लोग हैं हम लोग इनको उजड़ने नहीं देंगे, इनके जीवन और इनकी जीविका के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। उसके लिए हमें चाहे किसी से भी टकराना क्यों ना पड़े। पूर्वी उत्तर प्रदेश माननीय मोदी जी के मैं संज्ञान में लाना चाहता हूं, यह पूर्वी उत्तर गोरखपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश का हृदय स्थल है। 3 करोड़ की आबादी अपने व्यापार, अपने रोजगार, अपने स्वास्थ्य और अपनी शिक्षा के लिए गोरखपुर पर निर्भर करती है। यहां पर आपने हर वर्ष समाचार पत्रों में, मीडिया में और संसद के हर सत्र में भारतीय जनता पार्टी की ओर से संसद का ध्यान आकर्षित करते हुए जो हम लोग खड़े होते हैं, दिमागी बुखार, मस्तिष्क ज्वर, इंसेफ्लाइटिस से उत्तर प्रदेश के अंदर, मुझे लगता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर हजारों मौतें प्रतिवर्ष होती हैं। हम लोग लगातार मांग करते रहे हैं कि गोरखपुर में एक एम्स होना चाहिए, 3 करोड़ की आबादी के लिए एम्स होना चाहिए, लेकिन एम्स देने की बात तो दूर, गोरखपुर में इस पूर्वी उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य का एकमात्र आधार ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर्स को इसकी सरकार सेफई में तैनात करती है, जहां पर कि कोई मरीज नहीं, वहां पर मुंबई के कलाकार आते हैं, फिल्मी कलाकार आते हैं। और सिफई महोत्सव के नाम पर आप सबने देखा है किस प्रकार का नंगा नाच इनके द्वारा अभी हाल ही में किया गया। इस क्षेत्र में पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांव गांव से लोग आए हैं। आश्चर्य करेंगे, कहीं आपने नहीं सुना होगा कि किसानों का जो मूल्य पहले ज्यादा मिलता था अगले साल कम कर दिया हो। यहां की चीनी मिलें पहले एक साजिश के तहत सपा और बसपा के द्वारा मिलकर के बेची गईं और इस बार किसानों के साथ धोखा होता है। 290 रुपया प्रति क्विंटल पिछले वर्ष दाम मिलता है और इस वर्ष दाम कर दिया 260 रुपये क्विंटल किसानों का, यानी किसानों के पेट पर लात मारने की कार्य सरकार कर रही है और चीनी मिलों के को भी बेच करके यहां के आजीविका का एकमात्र आधार यहां की मिलों को बंद कर रही हैं, एक एक करके बंद हो रही हैं। गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना, हम लोग चाहते थे आपकी रैली वहां हो, हम लोग चाहते थे आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो गोरखपुर की पहली घोषणा होगी कि गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना चलेगा
और पूर्वी उत्तर प्रदेश के इन बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार और किसानों को बीज और खाद मिलेगा। लेकिन कांग्रेस ने वो भी नहीं होने दिया। लेकिन मैं जानता हूं कि मोदी जी प्रधानमंत्री जिस दिन होंगे गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना अवश्य चलेगा, अवश्य चलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में विकास की तमाम अपार संभावनाएं हैं। यहां का बेरोजगार, ये जो उत्साह यहां पर दिखाई दे रहा है, इन लोगों ने गुजरात के विकास को देखा है। यहां का नौजवान गुजरात के विकास को देखा है और वो जब संदेश देता है अपने घर में कि गुजरात में हम सुरक्षित हैं, हमारे साथ भेदभाव नहीं होता है, हमारे साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होता है, हमें पूरा सम्मान मिलता है, उस सम्मान को देने के लिए, उस सम्मान को वापस आपको देने के लिए समुदाय आज आपके बीच में आया है और हम चाहते हैं गुजरात की तर्ज पर पूर्वी उत्तर प्रदेश का भी विकास हो और यहां के विकास के लिए, यहां को पर्यटन की दृष्टि आगे बढ़ाने के लिए भी हम आगे बढ़ सकें। ये जहां महत्वपूर्ण है वहीं हम सबकी चिंता का विषय नेपाल हो गया है। नेपाल आज इस क्षेत्र में, नेपाल से पाकिस्तानी घुसपैठिए नेपाल को माध्यम बनाकर के सीमा से भारत में घुस रहे हैं। पिछले एक वर्ष के दौरान नेपाल से 300 से अधिक आतंकवादियों की घुसपैठ भारत में होती है और जो एसएसबी से हमें हमारी रैली से जो एसएसबी अपने आप को खतरा महसूस करती हुई बोलती है, वही एसएसबी उनको पकड़ती है, मेहमानों की तरह ला करके अपने कैंपों में ला करके सम्मानजनक ढंग से जम्मू कश्मीर में उन्हें भेजती है। जो भारत सरकार आज जम्मू कश्मीर, कश्मीर घाटी से निकाले गए कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास पर मौन है, वे पाकिस्तान प्रस्त उन आतंकवादियों का पुनर्वास कर रही है। और मैं जानता हूं आप जब आपके नेतृत्व में सरकार जब बनेगी तो आतंकवादियों को कहां पहुंचना है वे भी जानते हैं और इसलिए एक शरारत के तहत उन आतंकवादियों की घुसपैठ भारत के अंदर करवा करके पूरी व्यवस्था को आतंकित करने का प्रयास हो रहा है। ये जनता आपसे सुरक्षा और समृद्धि की आशा करती है। ये गोरखपुर की धरती है, गोरखपुर ने एक बाबा गोरक्षनाथ की साधना स्थली, जहां बाबा गोरक्षनाथ ने पूरे देश के अंदर योग और अध्यात्म के माध्यम से एक अलख जगाने का कार्य किया था, तो बगल में हिंदू राष्ट्र नेपाल को हिंदू स्वरूप प्रदान हो, वह दुनिया के हिंदू राष्ट्र के रूप में अपनी जेब पताका को आगे बढ़ा सकें, गुरु गोरक्षनाथ की कृपा से यह संभव हुआ था। गोरखपुर यहां पर हिंदुत्व की इस अलख को आगे जगाने के लिए महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ने जहां अलख जगाई थी, तो गीता प्रेस के माध्यम से श्री जयदयाल गोयनका और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने इस अभियान को पूरी दुनिया के अंदर फैलाने का कार्य किया था। गोरखपुर की धरती है जिसने राम जन्मभूमि की अलख को आगे जगाया था और हम विश्वास व्यक्त करते हैं कि आपके नेतृत्व में बनने वाली सरकार इस देश को न केवल सुरक्षा और समृद्धि देगी अपितु राजनीतिक आजादी के साथ साथ जिस सांस्कृतिक आजादी का भोर इस देश के करोड़ों लोग देखना चाहते हैं वे सब उसका आभास भी कर सकेंगे। इस विश्वास के साथ आज के इस विजय संघनाद रैली में मैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत के भावी प्रधानमंत्री के रूप में हम सबको संबोधित करने के लिए आए माननीय नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह जी का पूर्वी उत्तर प्रदेश के अपार जन समुदाय की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद, जय श्री राम। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा इसी उत्तर प्रदेश की धरती पर जन्मे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रवादी ताकतों का सारे राष्ट्र में नेतृत्व कर रहे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो आकर इस जनता जनार्दन को संबोधित करें। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी वाजपेयी,
हिंदुस्तान की गरीबी बेरोजगारी को दूर करने के लिए तथा हिंदुस्तान को विश्व की महाशक्ति बनाने के लिए जिनके पास एक योजना है, रूपरेखा है, ऐसे भारत के भावी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और पूज्य गोरक्षपीठ के उत्तराधिकारी और लोकप्रिय सांसद श्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कल्याण सिंह जी, आदरणीय कल्लाज जी मिश्र, आदरणीय ओम प्रकाश सिंह जी, श्री रमापत जी त्रिपाठी, श्री विनय जी कटियार, श्री सूर्य प्रताप जी शाही, श्री लाल जी टंडन और हमारे राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्री अमित शाह, सह प्रभारी श्री रामेश्वर चौरसिया, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र दत्त शुक्ल, यहां के दूसरे सांसद श्री कमलेश पासवान, पूर्व सांसद श्री पंकज जी, महापौर श्रीमती सत्या पांडे, यहां उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, बहनों भाइयों, यह जो कुछ भी मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं, यह सभा नहीं मैं बल्कि सैलाब अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ हम लोगों का स्वागत किया है। मैं भी अपनी तरफ से, पूरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। गोरखपुर विश्वविद्यालय का मैं छात्र रहा हूं, यहीं से मैंने एमएससी फिजिक्स की परीक्षा पास की है और यहीं मैंने शोध कार्य भी किया है। गोरखपुर और पड़ोस के सारे जनपदों से मैं अच्छी तरह परिचित हूं और मैं जानता हूं कि गोरखपुर का स्थान कोई साधारण स्थान नहीं है, बल्कि मैं कह सकता हूं कि विश्व के, भारत के सांस्कृतिक मानचित्र पर हमारे गोरखपुर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जहां तक पूज्य गोरक्षपीठ का प्रश्न है, सारे हिंदुस्तान में इस गोरक्षपीठ के अनुयायी और इस पीठ के प्रति श्रद्धा रखने वाले और आस्था रखने वालों की एक बहुत बड़ी जमात है। और यही गोरखपुर से थोड़ी दूर पर छपिया नामक स्थान, जहां पर कि स्वामी नारायण जी 18वीं शताब्दी में पैदा हुए थे और आज उनके अक्षर मंदिर के नाम से लक्ष्मी नारायण संप्रदाय के लोगों का एक बहुत बड़ी जमात इस सारे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी फैली हुई है। इसीलिए मैंने कहा कि इस गोरखपुर का भारत के सांस्कृतिक मानचित्र पर एक अपना विशेष स्थान है। आज ऐसे अवसर पर हम लोग गोरखपुर में यहां पर मौजूद हैं और आज जिस तारीख 23 जनवरी को हम गोरखपुर की इस रैली को संबोधित करने के लिए खड़े हुए हैं, तो बहनों भाइयों, आपको यह भी याद होगा कि यही 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन भी है। और आज कटक में, उड़ीसा के कटक में, जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए थे, उसी कटक में जो उनका स्मारक बना हुआ है, जहां उनका घर रहा है, आज उस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्मारक पर बोस जी की प्रतिमा को माल्यार्पण करने के बाद सीधे मैं यहां पर गोरखपुर पहुंचा हूं। एक बार मैं अपनी तरफ से भी और समस्त आप सभी बहनों भाइयों की तरफ से भी उनके प्रति आज के अवसर पर मैं हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उत्तर प्रदेश का जहां तक सवाल है, हम सभी जानते हैं 2 वर्षों से समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। 2 साल के पहले समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत सारे सपने दिखाए थे, लेकिन बहनों भाइयों, वह सारे सपने 2 साल के अंदर ही समाजवादी पार्टी की सरकार ने तोड़ दिया है। केवल यहां पर संप्रदाय विशेष की राजनीति की जा रही है और साथ ही वोट बैंक केवल बनाने की कोशिश की जा रही है। 2 साल के अंदर सैकड़ों सांप्रदायिक दंगे और सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुई हैं।
क्या कारण है जब समाजवादी पार्टी की सरकार इस उत्तर प्रदेश में आती है तभी सांप्रदायिक दंगे और सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं का सिलसिला यहां पर तेज हो जाया करता है। क्यों इस प्रकार के हालात पैदा होते हैं? क्योंकि मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश के समाज को इस मजहब के आधार पर, धर्म के आधार पर बांटकर यह समाजवादी पार्टी बराबर सरकार बनाने की कोशिश करती है। लेकिन बहनों भाइयों, राजनीति केवल उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए मुलायम सिंह जी और मायावती जी, उत्तर प्रदेश में राजनीति की जानी चाहिए तो उत्तर प्रदेश को बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। इतनी छोटी सोच के साथ हम इस उत्तर प्रदेश की जनता का कल्याण नहीं कर सकते हैं, हम उत्तर प्रदेश का बहनों भाइयों किसी भी सूरत में विकास नहीं कर सकते हैं। गरीब गरीब होता है, गरीब की कोई जाति नहीं होती, कोई पंथ नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन गरीबों की गरीबी भी मजहब के आधार पर और धर्म के आधार पर दूर करने के बारे में कोई सरकार योजना बनाएगी, उसका फैसला करेगी। अभी आप यह भी घटना जानते हैं, ऐसे लोग उत्तर प्रदेश के जिनके ऊपर आतंकवाद के आरोप थे, सरकार ने आदेश जारी कर दिया, भले ही आतंकवादी वारदातों में भाग लेने के इनके ऊपर आरोप हों, लेकिन इनके सारे मुकदमे वापस कर लिए जाएंगे। मैं तो सचमुच आभार व्यक्त करना चाहता हूं इस उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका पर कि एक सत्र न्यायाधीश ने यह फैसला किया कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो यह आदेश जारी किया गया है वह सरासर गलत है और न्यायालय ने उस आदेश को पूरी तरह से निरस्त कर देने का काम किया था। मुजफ्फरनगर में जिस प्रकार की सांप्रदायिक वारदात हुई, मैं यह मानता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने यानी सूझबूझ के आकर सारी राजनीतिक सारी घटनाओं का जायजा लिया है, वो लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मुजफ्फरनगर का जो सांप्रदायिक दंगा है यदि वह बढ़ा है तो यह उत्तर प्रदेश सरकार के कारण वहां का सांप्रदायिक दंगा हुआ है और वहां का दंगा यह बढ़ा है। मोदी जी, शायद आपने कभी इसके पहले नहीं सुना होगा कि बच्चों को भी संप्रदाय और धर्म के आधार पर स्कॉलरशिप इस उत्तर प्रदेश में दी जाती है। नौजवान नौजवान जो कि सचमुच उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी थाती है, इन नौजवानों में भी जाति पंथ और मजहब के आधार पर यह उत्तर प्रदेश सरकार भेदभाव करने की कोशिश करती है। और यह काम केवल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने ही नहीं किया है बल्कि यही काम केंद्र में कांग्रेस पार्टी की भी सरकार बराबर करती रही है। एक कम्युनल वायलेंस बिल हमारी भारत की सरकार ने लाने की कोशिश की कि बहनों भाइयों, यदि अल्पसंख्यक से यदि कोई बात हो जाती है, कोई विवाद हो जाता है, भले ही उसका दोष हो, वह उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा, जो बहुसंख्यक है जिम्मेदारी उसके ऊपर तय की जाएगी। एक ऐसा कम्युनल वायलेंस बिल लाने की कोशिश की गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया कि संसद में हम किसी भी सूरत में इस कम्युनल वायलेंस बिल को नहीं पारित होने देंगे। राजनीति यदि की जानी चाहिए जाति पंथ और मजहब के आधार पर नहीं की जानी चाहिए, राजनीति यदि की जानी चाहिए बहनों भाइयों तो इंसाफ और इंसानियत के आधार पर राजनीति की जानी चाहिए। आज कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया जी भी कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय समाज को बांटना चाहती है, यह आरोप लगाया जाता है। और भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहते हैं कि यदि वह भारत के प्रधानमंत्री बन गए तो देश बर्बाद हो जाएगा। बहनों भाइयों, जब सोनिया जी कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश को बर्बाद करना चाहती है तो सचमुच मुझे हंसी भी आती है और कुछ मैं अपने को असहज भी महसूस करता हूं। सूप बोले तो बोले, हम लोगों की तरफ एक कहावत है, कहावत हो कि नहीं हो,
सूप बोले तो बोले, चलनी का बोले जामे 70 छेद। अब कांग्रेस पार्टी जिसके रहते हजारों की संख्या में सांप्रदायिक दंगे सारे हिंदुस्तान में हुए हैं, वह कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाएगी कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के समाज को बांटने का काम करती है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने इसे हिंदुस्तान में भी सरकार चलाई है और आज हिंदुस्तान के कई राज्यों में भी हमारी सरकारें चल रही हैं। बहनों भाइयों, सब मिला जुला कर देख लिया जाए तो शायद एकाक कभी कोई दंगे हो गए होंगे तो हो गए होंगे, लेकिन कोई भी सांप्रदायिक दंगा और सांप्रदायिक तनाव भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें हैं उन राज्यों में नहीं होने पाया है। अटल बिहारी वाजपेयी भी भारतीय जनता पार्टी के ही सिपाही थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता थे और बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने। क्या कोई मां का लाल उनके ऊपर आरोप लगा सकता है? नरेंद्र भाई का यहां तक प्रश्न है, प्रधानमंत्री कहते हैं प्रधानमंत्री यदि यह बन गए तो सारा देश बर्बाद हो जाएगा। अरे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि हमारे नरेंद्र मोदी जी के भारत का प्रधानमंत्री बनने से यह देश बर्बाद हो जाएगा तो क्या आपके प्रधानमंत्री से बनने से दस वर्षों में हमारा भारत आबाद हो गया है? क्या तमाशा करना चाहते हैं? 10 वर्षों के शासनकाल में भी कई सांप्रदायिक दंगे इसी कांग्रेस की हुकूमत में हुए हैं। बहनों भाइयों, 67 वर्षों के इस आजादी के काल में 55 वर्षों से अधिक समय तक अखंड हुकूमत यदि किसी एक राजनीतिक पार्टी ने किया है तो वह कांग्रेस पार्टी ने किया है। 12 वर्षों का शासनकाल हमारे नरेंद्र भाई का गुजरात में रहा है, कौन नहीं जानता है? विकास के मामले में केवल भारत के लोग ही नहीं, भारत के अर्थशास्त्री ही नहीं, बल्कि विश्व का अर्थशास्त्री यह कहता है कि हिंदुस्तान में विकास के मामले में यदि हिंदुस्तान का मॉडल स्टेट यदि कोई है तो उस स्टेट का नाम है गुजरात। आज हमारा उत्तर प्रदेश, जहां लंबे समय से कांग्रेस की सरकार रही है, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, क्यों नहीं सांप्रदायिक दंगे हुए? कल्याण सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, राम प्रकाश जी मुख्यमंत्री रहे हैं, मैं रहा हूं, कभी कोई यदि तनाव की घटना यदि हो भी गई होगी बहनों भाइयों तो 10 घंटे 15 घंटे में ही वह शांत हो गई होगी। और गुजरात के अल्पसंख्यक समाज का जहां तक प्रश्न है, मैं कह सकता हूं कि आज हमारे गुजरात का रहने वाला अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति प्रति व्यक्ति आमदनी जितनी गुजरात के अल्पसंख्यक की है, हिंदुस्तान के किसी राज्य के अल्पसंख्यक की प्रति व्यक्ति आमदनी उतनी नहीं है। कैसे कोई आरोप लगा सकता है कि जाति पंथ और मजहब के आधार पर इन्होंने कोई भेदभाव करने की कोशिश की है? मजहब के आधार पर भारत का विभाजन यदि किया है तो कांग्रेस ने किया है। हिंदू आतंकवाद की बात यदि कही है तो भारत सरकार के गृह मंत्री श्री शिंदे ने की है। बहनों भाइयों, इतना ही नहीं, वो 1984 का जो सांप्रदायिक दंगा हुआ है उस दंगे को कराने का काम भी यदि किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सांप्रदायिक पार्टी यदि कोई है तो कांग्रेस पार्टी, और सबसे बड़ी सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी यदि इस हिंदुस्तान की कोई है तो वह बहनों भाइयों भारतीय जनता पार्टी है। यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। नरेंद्र भाई, इस गोरखपुर के क्षेत्र का जहां तक प्रश्न है, आज भी गरीबी, यह नौजवान खड़े हैं, किस बेरोजगारी के संकट से इन्हें जूझना पड़ रहा है वो मैं भी अच्छी तरह जानता हूं, इस उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। कि बहनों भाइयों, जानते हैं क्यों हुआ है? जिन लोगों के हाथों में आपने शासन की बागडोर संभाली है, आपके भविष्य के साथ इन्होंने क्रूर मजाक किया है, आपके भविष्य के साथ इन्होंने घिनौना मजाक किया है। और आज पढ़ाई लिखाई की बात छोड़िए, रोजगार की बात छोड़िए, मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे गोरखपुर, देवरिया, बस्ती और गोरखपुर के अड़ोस पड़ोस के जितने जनपद हैं वहां के छोटे छोटे बच्चे प्रतिवर्ष मस्तिष्क ज्वर, इंसेफेलाइटिस से मर जाते हैं, लेकिन उनकी चिंता करने वाला यहां पर उत्तर प्रदेश में कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं है।
मैं तो सचमुच बधाई देना चाहता हूं योगी आदित्यनाथ जी को कि जब भी इंसेफ्लाइटिस का कोई मामला यदि आपके सामने आया होगा तो आपकी आवाज को संसद में प्रभावी तरीके से बुलंद करने किसी ने किया है तो आपके लोकप्रिय सांसद योगी आदित्यनाथ ने बराबर आपकी आवाज उठाने का काम किया है। और आपको यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं जिस दिन हम लोगों की सरकार बन गई बहनों भाइयों मस्तिष्क ज्वर पर कैसे रिसर्च हो सकता है, कैसे नई नई दवाओं का इजाद किया जा सकता है और ऐसे मासूम बच्चों के गरीब बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए बेहतर से बेहतर कैसे चिकित्सालय बनाया जा सकता है इसकी मुकम्मल व्यवस्था यदि कोई राजनीतिक पार्टी की सरकार कर सकती है तो केवल भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार कर सकती है। यहां पर बड़ी संख्या में किसान हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या इस बार धान की खरीद ठीक तरीके से हो गई है कि नहीं हुई है? नहीं हुई है। गेहूं की खरीद हुई थी ठीक ठाक कि नहीं हुई थी? वो भी नहीं हुई थी। बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है? वो भी नहीं आ रही। यही समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा था एक साल के अंदर 18 से लेकर 24 घंटे की बिजली मुहैया कराएंगे, बिजली भी आपको नहीं मिल रही है, धान गेहूं भी नहीं खरीदा जा रहा है, नौजवानों को रोजगार तो मिल गया कि नहीं मिला? रोजगार भी नहीं मिला। ऐसे हालात यहां पर पैदा हो गए। सबसे पहले मैं किसान भाइयों आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई एक साल के अंदर एक ऐसी व्यवस्था हम लागू करेंगे। भारत सरकार में कृषि मंत्री रहते हुए वह फार्मूला मैंने तैयार किया था कृषि आमदनी बीमा योजना, उस फार्मूले का नाम है खेत की बुआई के पहले ही आपके खेत की न्यूनतम आमदनी तय कर दी जाएगी, यदि उतनी आमदनी उस खेत में नहीं हुई तो उसकी भरपाई बीमा कंपनी के द्वारा की जाएगी, सरकार के द्वारा की जाएगी। यह हम लोगों ने फैसला किया है। जाकर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ गुजरात कहीं भी देख लीजिए, वहां पर राजस्थान में हमारी सरकार बनी है, जाकर वहां देख लीजिए वहां के किसानों को हमारी सरकारें भाजपा की सरकारें 0% ब्याज दर पर खेतीबाड़ी के कामकाज के लिए कर्ज मुहैया करा रही है। क्या कभी आप इस बात की कल्पना कर सकते थे? सरकार कैसे चलाई जाती है इसकी कला यदि किसी को सीखनी है तो बहनों भाइयों भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं उनसे इस बात की कला सीखनी चाहिए। कितनी बातों की चर्चा करूं बहनों भाइयों, आज मैं यही कहना चाहता हूं हिंदुस्तान की अकेली पार्टी यह भारतीय जनता पार्टी है जिसने न कांग्रेस का कभी समर्थन लिया है न हमने कांग्रेस को कभी समर्थन दिया है, लेकिन फिर भी भारत की राजनीति में कांग्रेस से बड़ा राजनीतिक कद बनाने में हमने कामयाबी हासिल की है। इसलिए मैं कहता हूं आपका सपना है कि नहीं कि कांग्रेस मुक्त भारत बनना चाहिए, यह सपना है कि नहीं है? यदि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं तो बहनों भाइयों वही भारतीय जनता पार्टी बना सकती है जिस भारतीय जनता पार्टी ने कभी न तो कांग्रेस को समर्थन दिया है न कभी कांग्रेस का समर्थन लिया है। ऐसी ही भारतीय जनता पार्टी इस भारत को कांग्रेस मुक्त भारत बना सकती है और कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी नहीं बना सकती। एक हिंदुस्तान में अस्थाई सरकार बनाने के लिए एक ऐसी सरकार जो कि अच्छा सुशासन दे सके यह बनाने के लिए मैं आप सबसे यही अपील करने आया हूं। 13 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के आप लोग मौजूद हैं बहनों भाइयों, प्रत्याशी मत देखो, इस बार देखो कि हमें किसे प्रधानमंत्री बनाना है। यदि आप नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, चाहते हो तो हाथ उठाकर बतलाओ कि चाहते हैं। तो बहनों भाइयों यदि आप नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं क्या मुझे आप एक आश्वासन दे सकते हैं? दे सकते हैं आश्वासन कि नहीं दे सकते? यदि दे सकते हैं बहनों भाइयों तो मैं झोली फैलाकर आपसे यह मांग करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ हूं। 13 के 13 लोकसभा क्षेत्रों में
भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका फहरा दीजिए, हमारी झोली भर दीजिए, स्पष्ट बहुमत के साथ इस भारत में हम आपको सरकार मुहैया कराएंगे। इतना ही निवेदन करते हुए पुनः आप सबका अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। ये पंच के सामने के बाड़े में जो अव्यवस्था थी है, मैं कार्यकर्ता बंधु और जनता से निवेदन करूंगा कि थोड़ी देर के लिए और शांति बनाकर रखें। अब मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूं भारत माता के उस लाल को जो राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास की प्रतिमूर्ति के रूप में हमारे आपके बीच में उपस्थित है। जनता जिनको प्रधानमंत्री बना चुकी है, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि वो इस जन सैलाब को संबोधित करने की कृपा करें। भारत माता की, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, यहां के जनप्रिय सांसद, जुझारू नेता आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री कल्याण सिंह जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मीकांत जी, श्रीमान रमापति जी, श्री सूर्य प्रताप जी, श्रीमान कलराज जी, श्रीमान लालजी टंडन जी, श्रीमान ओम प्रकाश सिंह जी, भाई विनय कटियार जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेतागण और गोरक्षपीठ की इस पवित्र धरती पर पधारे हुए लाखों लाखों भाइयों और बहनों, ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र ने एक दूसरे से आगे निकलने की स्पर्धा ठान ली है। उत्तर प्रदेश की जितनी रैलियां की, हर रैली अगले वाली रैली का रिकॉर्ड तोड़ देती है। मैं हेलीकॉप्टर से जब आ रहा था तो ये दृश्य देख रहा था, चारों तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे थे। मानो जैसे जन समंदर हो। भाइयों बहनों, इस ठंड के समय में और वो भी गोरखपुर और अगल बगल के इलाके से इतनी बड़ी रैली, भाइयों बहनों, ये बदलती हुई हवा का रुख दिखाती है। हवा किस तरफ चल रही है,
आज आपकी आवाज बनारस की गलियों में भी गूंज रही है। भाइयों बहनों, चुनाव हमने बहुत देखे हैं, लेकिन ये ऐसा चुनाव है जिस चुनाव का फैसला देश के कोटि कोटि जनों ने कर लिया है। कांग्रेस और उसके साथी दलों की विदाई ये देश ने तय कर ली है मित्रों, और कांग्रेस मुक्त भारत ये इस बार साकार होकर रहेगा, ये नजारा साफ कह रहा है। भाई भाइयों बहनों, मुझे उत्तर प्रदेश के नौजवानों का विशेष अभिनंदन करना है। पंद्रह दिसंबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि थी और उस दिन पूरे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में एकता दौड़ का आयोजन किया था। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है उत्तर प्रदेश के हर कोने में इस ठंड में लाखों नौजवान एकता दौड़ के लिए दौड़े, सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करके दौड़े, और ये विश्व रिकॉर्ड बन गया कि एक दिन में एक ही समय हिंदुस्तान के 1100 से अधिक स्थानों पर 50 लाख लोग दौड़े थे। भाइयों, हमारे ओम प्रकाश जी मुझे बता रहे थे कि अभी जो लोहा संग्रह का कार्यक्रम चल रहा है, दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनने वाली है। अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। अमेरिका में जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है उससे ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उससे दो गुना बड़ी होने वाली है, डबल। और भारत के हर गांव से किसानों ने खेत में जो औजार काम में लाया है, उस औजार के लोहे का टुकड़ा देश के हर गांव से इकट्ठा करके उससे सरदार साहब की प्रतिमा बनने वाली है। एकता का एक अभिनव प्रयास, और उस प्रयास में उत्तर प्रदेश ने जो साथ और सहयोग दिया है, जो उत्साह और उमंग दिखाया है, इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के हर गांव का, हर किसान का, हर नौजवान का हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, ये जो लोग आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, भैया जगह ही नहीं है, क्या करोगे? इतनी बड़ी जनमेदनी अब कितने ही कोशिश करो आगे नहीं आ सकते। भैया मैं जहां नजर दौड़ाता हूं, भैया लोग ही लोग हैं, चारों तरफ ऐसा दृश्य
जनता जनार्दन के दर्शन ये ईश्वर के दर्शन बराबर होते हैं, ये सौभाग्य हमें मिला है। भाइयों बहनों, ये गोरखपुर की धरती ऐसी है जहां हमारी महान सांस्कृतिक विरासत, हमारे ऋषियों मुनियों का चिंतन, हमारे ज्ञानियों की सांस्कृतिक रचनाएं, इन सबको अक्षर देह देने का काम गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा एक बहुत बड़ी सेवा हुई है। एक प्रकार से ये ज्ञान की उपासना का काम हुआ है और वही समाज आगे बढ़ता है जो हर युग में हर समय ज्ञान उपासना की अपनी साधना निरंतर बनाए रखता है और उस काम में गोरखपुर की धरती का बहुत बड़ा योगदान है। उस धरती को मैं नमन करता हूं। भाइयों बहनों, ۲۰۱۴ का चुनाव कैसा होगा उसका एक ट्रेलर अभी अभी हुआ है। हमारे देश के 5 राज्यों में चुनाव हुआ और 4 राज्यों में सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिला, लेकिन उसमें भी मैं एक बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कुछ लोग मानते हैं दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, आदिवासी हो, ये तो कुछ ठेकेदार मानते हैं कि उनकी जेब में है। सालों से ये लोग दलित को, पीड़ित को, शोषित को, आदिवासी को इंसान मानने को तैयार नहीं थे। वे उसे वोट बैंक मानते थे, वोट बैंक मानते थे। और ये ठेकेदारों का मत था कि भारतीय जनता पार्टी आसमान से नीचे गिरे लेकिन दलितों में आदिवासियों में अपनी जगह नहीं बना सकती है, ये इनके दावे थे। भाइयों बहनों, आज गोरखपुर की पवित्र धरती से मैं कहना चाहता हूं, अभी अभी जो 4 राज्यों के चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है, वहां का नजारा क्या है? राजस्थान में अनुसूचित जाति की 34 सीटें हैं। कितनी भाइयों, जरा याद रखिए कितनी। उसमें से कांग्रेस को 1 भी सीट नहीं मिली है, 1 भी। ۳۴ में से अनुसूचित जाति की 32 सीटें राजस्थान में वहां की जनता जनार्दन ने कमल के निशान पर मोहर लगा के भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया है। भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति की 10 सीटें हैं,
कितनी? जरा जोर से बोलिए कितनी? और कांग्रेस को कितनी मिली? भाइयों बहनों, कांग्रेस को सिर्फ एक सीट मिली है, एक सीट। भाइयों बहनों, मध्य प्रदेश में 35 सीटें हैं अनुसूचित जाति की। कितनी है भैया? जरा जोर से बोलिए कितनी? 35 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है। मैं उत्तर प्रदेश के मेरे दलित, पीड़ित, शोषित समाज में पीछे रह गए भाइयों बहनों को आज विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का अवसर मिला है, हमारी प्राथमिकता रही है गरीबों का कल्याण हो, लोग गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए ताकतवर बने, समाज के पीड़ित शोषित लोग गरीबी से मुक्ति का एहसास करें, और उसी का परिणाम है कि आज दलित, पीड़ित, शोषित, आदिवासी समाज का भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक विश्वास पैदा हुआ है। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी गरीबों की बातें हर बार करती आई है, चुनाव आते ही कांग्रेस को गरीब याद आते हैं, वो गरीबी की माला झपना शुरू कर देते हैं। मैं कभी कभी सोचता था कि देश की आजादी के 60 साल से भी अधिक समय हो गया, लगातार कांग्रेस को सरकार बनाने का अवसर मिला, वे गरीबों की गरीबी की बातें करते रहे लेकिन गरीबों की जिंदगी में बदलाव क्यों नहीं आया? साठ साल में बदलाव ना आए ऐसा तो देश नहीं हमारा, कारण क्या है? भाइयों बहनों, इसका जवाब मुझे मिल नहीं रहा था। मैं बहुत कोशिश करता था कि कांग्रेस की वो कौन सी मानसिकता है, कांग्रेस की वो कौन सी रणनीति है, कांग्रेस की वो कौन सी सोच है जिसके कारण गरीबों के इतने वोट मिलने के बाद भी उनका छोटा मोटा हर नेता गरीबों की बात करता है, उसके बावजूद भी देश में गरीबी लगातार बढ़ती क्यों चली जा रही है? इस सवाल का जवाब मुझे अभी अभी मिल गया है। भाइयों बहनों, इसका मूल कारण है कांग्रेस पार्टी को गरीबों को गरीब रखने में ही उनका राजनीतिक भविष्य छिपा हुआ है। वे किसी भी हालत में गरीब को गरीबी से लड़ने की ताकत देना नहीं चाहते, वे किसी भी हालत में गरीबी से मुक्ति का प्रयास नहीं चाहते हैं, और उनके भीतर वो ऐसी मानसिकता पड़ी है जो मानसिकता गरीबों के प्रति उपेक्षा के भाव से भरी हुई है। अगर उनकी ये सोच न होती, उनके सोचने का ये तरीका न होता, तो भाइयों बहनों,
एक चाय वाला, एक चाय वाला, एक गरीब मां का बेटा सर ऊंचा करे और कांग्रेस का एक भी नेता उसको सहने को तैयार नहीं है, ये उनकी मानसिकता का दर्शन करा। वे हमारे राजनीतिक विचारों का विरोध करते हैं, हमारे काम का विरोध करते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता हमारी गरीबी का मखौल उड़ा रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि कांग्रेस पार्टी का गंभीर गरीबों के तरफ देखने का नजरिया क्या है। मेरे भाइयों बहनों, मुझे एक जवाब देंगे आप जवाब देंगे, जवाब देंगे, क्या गरीबों का अपमान सहेंगे? क्या गरीबों का अपमान करने का प्रयास सहेंगे? गरीब विरोधी कांग्रेस की मानसिकता सहेंगे? गरीबों को वोट बैंक बनाने वाली कांग्रेस को सहेंगे? भाइयों बहनों, गरीबी के खिलाफ, और ये सिर्फ चाय वाले का विषय नहीं है, वो क्या कहते हैं, कहते हैं 12 रुपए में खाना मिल जाता है, दूसरा नेता कहता है 5 रुपए में खाना मिल जाता है। भैया 12 रुपए में खाना मिल सकता है क्या? जरा बोलो तो उनको समझ आए, जरा मिल सकता है क्या 5 रुपए में खाना मिल सकता है क्या? ये गरीब का मजाक नहीं है तो क्या है? भाइयों बहनों, गरीबी क्या होती है, गरीब कैसे जिंदगी गुजारा करता है, ठंड ज्यादा पड़ जाए तो भी गरीब मरता है, धूप ज्यादा निकल जाए, गर्मी हो जाए तो भी गरीब मरता है, बीमारी फैल जाए तो भी गरीब मरता है। सारे संकट अगर किसी को झेलने पड़ते हैं वो गरीब को झेलने पड़ते हैं, लेकिन दिल्ली में बैठी हुई सरकार या लखनऊ में बैठी हुई सरकार उनको गरीबी के खिलाफ लड़ने की उनकी तैयारी नहीं है, इच्छा नहीं है। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या समय की मांग नहीं है कि हम गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़े? क्या समय की मांग नहीं है कि हम गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़े? भाइयों बहनों, क्या कारण है कि गंगा यमुना के प्रदेश हो, मां गंगा इस धरती को पुलकित करती हो, लेकिन आज भी मेरे किसान की जिंदगी में सुखचैन के दिन नहीं आए हो, उसके कारण कौन जिम्मेवार है? भाइयों बहनों, खास करके ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां के लोग मेरे गुजरात में न रहते हो। मेरे गुजरात में रोजी रोटी न कमाते हो। भाइयों बहनों, कौन नौजवान बेटा है जो अपने बूढ़े मां बाप को छोड़ करके सैकड़ों किलोमीटर दूर गुजरात जाना पसंद करे? कौन बेटा है जो अपना गांव, अपने साथी, अपने खेत खलिहान, अपने बूढ़े मां बाप छोड़ करके इतनी दूर चला जाए? क्यों? अगर यहां उसे रोजी रोटी मिलती, उसको मेहनत करने का अवसर मिलता, तो मैं नहीं मानता हूं
कि मेरे उत्तर प्रदेश के नौजवान को गुजरात जाने की नौबत आती। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश पर परमात्मा ने इतना सारा दिया है, इतनी प्राकृतिक कृपा है, अगर सही अर्थ में दिशा पकड़ करके अगर यहां 10 साल मेहनत की जाए, 10 साल ये उत्तर प्रदेश गुजरात से भी आगे निकल सकता है, ऐसा उत्तर प्रदेश बन सकता है। भाइयों बहनों, आज बनारस में नेताजी ने हमें ललकारा है, मुझे खुशी का विषय है मेरे लिए कि इन दिनों मैं जहां जहां जाता हूं, बाप और बेटा दोनों मेरा पीछा करते हैं। और आज उन्होंने कहा कि मोदी जी की हैसियत नहीं है कि यूपी को गुजरात बना सके। नेताजी, गुजरात बनाने का मायना मालूम है आपको? गुजरात बनाने का मतलब क्या होता है पता है नेताजी? गुजरात बनाने का मतलब होता है 24 घंटे बिजली, 365 दिन बिजली, हर गांव गली में बिजली। नेताजी, आपकी बात सही है, आपकी हैसियत नहीं है, आप गुजरात नहीं बना सकते, इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है। आप नहीं बना सकते। नेताजी, गुजरात बनाने का मतलब होता है लगातार 10 साल तक 10% से भी ज्यादा कृषि दर बनाना, इसका मतलब गुजरात होता है। 3-4% में लुढ़क जाना, ये नेताजी आपकी हैसियत का नमूना है। नेताजी, आप गुजरात नहीं बना सकते हो, 10 साल हो गए, गुजरात सुख चैन की जिंदगी जी रहा है, शांति एकता और सद्भावना लेकर के आगे बढ़ रहा है, विकास की नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है, आप नहीं कर सकते हो नेताजी। भाइयों बहनों, मुझे खुशी होगी नेताजी अगर आप गुजरात उत्तर प्रदेश को गुजरात जैसा बना दें, तो मेरे गुजरात के लोग रोजी रोटी कमाने के लिए उत्तर प्रदेश आने लग जाए, ऐसा उत्तर प्रदेश बनाया जा सकता है। आप नहीं बना सकते। आपकी सरकार को इतना समर्थन मिला है, क्या किया अपने लोगों के लिए? न लोगों को सुरक्षा दे पा रहे हो, न नौजवानों को रोजगार दे पा रहे हो, न बहन बेटियों को सम्मान दे पा रहे हो, और इतना बड़ा उत्तर प्रदेश आपने अपनी राजनीति के लिए बर्बाद करके रखा हुआ है। हमने शपथ लिया है, इसको आबाद बनाने का शपथ लिया है। और भाइयों बहनों,
अगर हिंदुस्तान से गरीबी मिटानी है, अकेला उत्तर प्रदेश पूरे हिंदुस्तान की गरीबी मिटा सकता है। अगर देश में रोजगार देना है, अकेला उत्तर प्रदेश रोजगार दे सकता है। पूरे हिंदुस्तान की शक्ल सूरत अकेला उत्तर प्रदेश बदल सकता है। यह ताकत उत्तर प्रदेश की धरती में है। भाइयों बहनों, आपको कांग्रेस के नेता को, सपा बसपा को, और आपको तो मालूम है ना, सबका मालिक एक, पता है सबका मालिक एक, सपा याने स याने सपा, ब याने बसपा, का याने कांग्रेस, और तीन का मालिक सबको पता है कौन है मालिक। ये सबका मालिक एक, इन्होंने विकास इनका विषय नहीं है, वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए लोग हैं। आप मुझे कहिए भैया, यहां का गन्ना की खेती करने वाला किसान असहाय जिंदगी जीने के लिए मजबूर क्यों हुआ है? यहां पानी हो, नदियां हो, लेकिन दूध बाहर से लाना पड़े, ऐसा उत्तर प्रदेश किसने बनाया? भाइयों बहनों, क्या हमारे उत्तर प्रदेश में किसान है, पशु है, दूध देते हैं, चारा है, पानी है, तो फिर दूध बाहर से क्यों लाना पड़ रहा है? क्या हमारे उत्तर प्रदेश में अमूल जैसी डेयरी नहीं बन सकती है? बन सकती है कि नहीं बन सकती भैया? क्या यहां के किसानों का आय बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती है? लेकिन करना ही नहीं है। मैं वादा करता हूं दोस्तों, मैं वादा करता हूं, अकेली श्वेत क्रांति से, पशुपालन और दूध के माध्यम से उत्तर प्रदेश के गांव को, नौजवान को रोजगार मिल सकता है, उत्तर प्रदेश के गांव के किसान को ताकत मिल सकती है, उत्तर प्रदेश के गांव के किसान की आय बढ़ सकती है, और श्वेत क्रांति के कारण देश के सामान्य जनों की आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। सपने देखने चाहिए भाइयों बहनों। ये कांग्रेस पार्टी इस बात को नहीं कर सकती है, और इसलिए भाइयों बहनों, हमारे देश में कृषि को प्राथमिक देने की आवश्यकता है, हमारी कृषि को आधुनिक बनाने की आवश्यकता है, हमारे कृषि क्षेत्र को बल देने की आवश्यकता है। आज पूरे देश में फर्टिलाइजर पाने के लिए किसान को कतार में खड़ा रहना पड़ रहा है, फर्टिलाइजर ब्लैक मार्केट में लेना पड़ रहा है, और ये कमाल की सरकार देखो, गोरखपुर के फर्टिलाइजर कारखाने को ताला लगा करके बैठी है। एक तरफ फर्टिलाइजर की जरूरत है, दूसरी तरफ नौजवानों को रोजगार की जरूरत है, और ये कमाल शासक देखो, फर्टिलाइजर के कारखाने पर ताला लगा के बैठे। भाइयों बहनों, छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन ये वोट बैंक की राजनीति के आदि लोग, अपनी वोट बैंक को संभालो, सत्ता संभल जाएगी। अब वो जमाना चला गया, देश को विकास चाहिए, नौजवान को रोजगार चाहिए, नई पीढ़ी को अपना भविष्य की सुरक्षा चाहिए, ये माहौल बन चुका है, और उसका नेतृत्व ये सबका मालिक एक कोई नहीं कर सकता। मित्रों, अकेली भारतीय जनता पार्टी है,
जो विकास के रास्ते पर चल रही हैं और वही इस बात को कर सकती है। भाइयों बहनों, अगर हमें कृषि क्षेत्र में विकास करना है, मैं यहां के किसानों को आग्रह करता हूं कि आपका एक समूह गुजरात जाए, गन्ने की खेती करने वाले किसान और वहां चीनी बनाने वाले कारखाने, इनके बीच कितना बढ़िया तालमेल है। समय पर चीनी मिले चालू हो जाती हैं, समय पर गन्ना खरीद लिया जाता है, खरीदने के साथ भुगतान की जाती है और चीनी बाजार में आती है। भाइयों बहनों, विषय व्यवस्था का होता है, लेकिन जिस राज्य के अंदर स्कूल कॉलेज की एग्जाम पर इस समय पर नहीं ले पाते, वो चीनी के कारखाने समय पर कैसे चला सकते। हमारे देश में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि जहां पर स्कूल कॉलेज की एग्जाम पर भी समय पर नहीं होती है और उसके कारण करोड़ों करोड़ों नौजवानों के अमूल्य एक एक साल पीछे रह जाते हैं। कितना बड़ा मानव संसाधन का विनाश हम करते हैं। क्या हमारी यूनिवर्सिटियां, हमारी कॉलेज समय पर टाइम टेबल के तहत स्कूल कॉलेज चला करके बच्चों को एग्जाम दे करके हिंदुस्तान के और इलाके की बराबरी के लिए नहीं ला सकते? इनको करना नहीं है भाइयों। और इसलिए भाइयों बहनों, अगर गांव है तो रोजगार के लिए हमें कृषि को बल देना होगा और कृषि को भी आगे बढ़ाना है तो कृषि को तीन हिस्सों में बांटने की जरूरत है। कृषि के क्षेत्र को तीन हिस्सों में बांटने की समय की मांग है। एक तिहाई हम जो परंपरागत कृषि करते हैं इसको करें, एक तिहाई हम पशुपालन करें और एक तिहाई हमारा खेत का जो छोर होता है आखिरी बॉर्डर, उस बॉर्डर पे वृक्षों की खेती करें, पेड़ लगाएं। आज देश को टिम्बर इंपोर्ट करना पड़ता है, अगर हमारा किसान अपने खेत की बॉर्डर पे इस प्रकार से पेड़ लगा देता है, घर में बेटी का जन्म हो उसके साथ ही अगर पांच पेड़ लगा दें, शादी करने की उम्र हो जाएगी, उस पांच पेड़ को काट करके बेटी शादी कराने का खर्चा निकल सकता है, हमारे किसान को कर्ज नहीं लेना पड़ सकता है। लेकिन इसके लिए सही सोच चाहिए, सही दिशा चाहिए, सही नेतृत्व चाहिए, तब जाकर के समाज को विकास की ओर ले जा सकते हैं। भाइयों बहनों, ये तो पूरा समय इसी बात में लड़ाते रहते हैं, गन्ने का दाम कितना मिले कितना न मिले, चीनी मिल चालू हो या न हो, इसी में समय बर्बादी हो रही है। और इसलिए भाइयों बहनों, सुशासन के बिना हम ये स्थितियों को बदल नहीं सकते। भाइयों बहनों, मैं अनुभव के आधार पर कहता हूं, ये देश गरीब नहीं है, अमीर देश के लोगों को गरीब बनाया गया है, राजनीतिक हेतु पार करने के लिए बनाया गया है। देश अमीर है, लोग भी अमीर बन सकते हैं और हमें ये गरीबी से मुक्ति का अभियान चलाने के लिए 2014 का चुनाव लड़ना है। भाइयों, बहनों, सामान्य मानवी को सुरक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, क्या कारण है गांव के लोगों को बंदूक के लाइसेंस लेकर के बेचारों को कतार में खड़ा रहना पड़े,
कहीं पर भी बाहर जाए तो बंदूकधारियों को साथ रखना पड़े, इसका क्या कारण है? भाइयों बहनों, गुजरात का मैं अनुभव बताता हूं। उत्तर प्रदेश से गुजरात में रोजी रोटी कमाने आए हुए नौजवान जब घर से निकलते हैं तो मां को बड़ी चिंता रहती है, और आजकल मोबाइल फोन होने के कारण बेटा ट्रेन में बैठने के बाद मां हर घंटे उसको फोन करती है कि बेटा कहां पहुंचे, कोई तकलीफ तो नहीं है ना, ट्रेन में संभाल के देखना, सामान संभालना, देखिए बाहर की चीज कोई खाना मत, मैंने घर से जो दिया है वही खाना। मां हर घंटे मोबाइल फोन पर बेटे को बताती रहती है। बेटा कहता है मां तुम सो जाओ, अब तो गाड़ी चलती है, मैं गुजरात जा रहा हूं, मां तुम सो जाओ, चिंता मत करो। लेकिन मां सोती नहीं है, मां लगातार हर घंटे बेटे का हाल पूछती रहती है, ट्रेन के डिब्बे में क्या है बेटा। फिर मां पूछती है कि बेटा गुजरात आया कि नहीं आया, कितना दूर है, तुम गुजरात पहुंचे कि नहीं पहुंचे। बेटा कहता है मां अब रात देर हो चुकी है, तुम सो जाओ ना, ट्रेन तो पहुंचेगी। मां मानने को तैयार नहीं, लेकिन जैसा ही बेटा बताता है कि मां अब ट्रेन गुजरात में प्रवेश कर चुकी है, तो मां कहती है बच पे बेटा अब मैं सो जाती हूं, अब सो जाती हूं, गुजरात के अंदर तुम्हारी ट्रेन पहुंच गई, मतलब तुम अब सलामत हो गए। भाइयों बहनों, यह हाल पूरे हिंदुस्तान का बन सकता है नहीं बन सकता है, बन सकता है कि नहीं बन सकता है? इसलिए मैं आपके पास आया हूं भाइयों बहनों, हम हिंदुस्तान को रोता हुआ देखना नहीं चाहते, हम हिंदुस्तान को खून से लथपथ देखना नहीं चाहते, हम हिंदुस्तान को बेरोजगार देखना नहीं चाहते, हम हिंदुस्तान के नौजवान को याचक के रूप में देखना नहीं चाहते। भाइयों बहनों, आज गोरखपुर की पवित्र धरती से मैं देशवासियों के पास कुछ मांगना चाहता हूं, आप देंगे? जरा दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बताइए, देंगे? देंगे भाइयों, पक्का देंगे? भाइयों बहनों, मैं देशवासियों को कहता हूं, गोरखपुर की धरती से कह रहा हूं, मेरे उत्तर प्रदेश के सभी भाइयों बहनों को कह रहा हूं, आपने 60 साल तक शासक चुने हैं, 60 साल तक शासकों को देश और राज्य चलाने का आपने काम दिया है, मैं आपसे सिर्फ 60 महीने मांगने के लिए आया हूं। आपने 60 साल दिए हैं, मुझे 60 महीने दीजिए। आपने शासकों को चुना है, एक बार सेवक को चुन करके देखिए। भाइयों बहनों, हम आपकी जिंदगी में बदलाव ला करके रहेंगे, हम चैन से बैठेंगे नहीं, आपके सपनों को पूरा करने के लिए हम हमारा जीवन खपा देने के लिए निकले हुए लोग हैं। भाइयों बहनों, आपके चेहरे पर मुस्कान हो, आप सपने देख पाए, आप अपने अरमानों को पूरा कर पाए, ऐसा हिंदुस्तान आपको देने का मैं आज वादा करने आया हूं। भाइयों बहनों, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। नेताजी सुभाष बोस ने कहा था, भाइयों बहनों, उन्होंने कहा था चलो दिल्ली, नेताजी सुभाष बाबू ने कहा था चलो दिल्ली। भाइयों बहनों, नेताजी सुभाष बाबू ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भाइयों बहनों, मैं आपको कह रहा हूं, आप मुझे 60 महीने दीजिए, 60 महीने
मैं आपको सुखचैन की जिंदगी दूंगा, ये वादा करने आया हूं भाई। भाइयों बहनों, हम विकास का मंत्र लेकर के चले हैं। 60 साल तक वोट बैंक की राजनीति को बहुत कुछ मिला है, 60 महीने के लिए विकास की राजनीति पर आशीर्वाद दे दीजिए। आप देखिए नौजवान के सपने पूरे होंगे। यहां बैठा हुआ कोई मां बाप चाहता है क्या कि जिस मुसीबतों में उसने जिंदगी गुजारी उसके संतान भी उसी मुसीबतें से गुजारे हैं? कोई मां बाप चाहता है? आपके मां बाप को जैसे जिंदगी गुजारनी पड़ी, क्या नौजवान आप ऐसी जिंदगी गुजारना चाहते हो? आपको भी प्रगति चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको भी विकास चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको भी गांव में बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको भी बच्चों के लिए शिक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको गांव में रोड रास्ता चाहिए कि नहीं चाहिए? आपके खेत को पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? यही तो काम सरकार का होता है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम इस देश को न ऐसा देखना चाहते हैं, न ऐसा रहने देना चाहते हैं। हम दुनिया की बराबरी करने वाला हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, और इसलिए मुझे आपका साथ चाहिए भाइयों। भाइयों बहनों, मैं साफ देख रहा हूं ये पूर्वांचल से उठी हुई आवाज भाइयों बहनों, 2014 में जब चुनाव आएगा तब तो आप जीत देंगे ही देंगे, लेकिन आज मैं नतमस्तक होकर के कह रहा हूं आपने मुझे जीत लिया है। आपने मुझे अपना बना लिया है। भाइयों बहनों, इस प्यार को मैं ब्याज समेत विकास करके लौटाऊंगा, ये वादा करता हूं दोस्तों। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वंदे, पूरी ताकत से बोलिए दोस्तों, वंदे 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 वंदे। आपने भारत के भावी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के विचारों को सुना। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह के विचारों को सुना। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में आयोजित यह विराट रैली, जिसमें आप आजमगढ़ से, मऊ से, बलिया से, बस्ती से, सिद्धार्थनगर से, संत कबीर नगर से, देवरिया से, कुशीनगर से, महाराजगंज से, गोरखपुर जिले से, महानगर से इतनी बड़ी संख्या में आए, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। अपने गोरखपुर के यशस्वी सांसद, गोरक्षपीठ के उत्तराधिकारी पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने जो
जो हमें नेतृत्व प्रदान किया, हमारे गोरखपुर के हमारे विधायक गण श्री राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री विजय बहादुर यादव, श्री सन प्रसाद बेलदार, हमारी मेयर सत्या पांडे, हमारे महाराजगंज के श्री पंकज चौधरी, श्री बजरंग बहादुर सिंह, हमारे जिलाध्यक्ष श्री अरुण सिकली, महानगर अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष गोरखपुर जनार्दन तिवारी जी, सांसद कमलेश पासवान जी, आजमगढ़ के जिलाध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, वहां के सांसद रमाकांत यादव जी, वहां के सभी सम्माननीय नेता, मऊ जिले के जिलाध्यक्ष श्री सुशील राय जी, वहां के सभी सम्माननीय नेता, हमारे बलिया के जिलाध्यक्ष श्री विजय बहादुर सिंह, वहां के सभी सम्माननीय नेता, हमारे देवरिया के जिलाध्यक्ष श्री जयप्रकाश निषाद जी, सभी सम्माननीय नेता, हमारे कुशीनगर के जिलाध्यक्ष श्री लल्लन मिश्र जी, सभी सम्माननीय नेता, हमारे महाराजगंज के जिलाध्यक्ष श्री अरुण शुक्ल जी, सभी सम्माननीय नेता, बस्ती के जिलाध्यक्ष दयाशंकर मिश्र जी, वहां के सभी सम्माननीय नेता, संत कबीर नगर के जिलाध्यक्ष रामललित चौधरी जी, वहां के सभी सम्माननीय नेता, हमारे सिद्धार्थनगर के जिलाध्यक्ष श्री नरेंद्र मणि जी, वहां के सभी सम्माननीय नेता, आप सभी रैली में आए, रैली को सफल बनाए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ कार्यक्रम के समापन की घोषणा की जाती है।